एक एहसास, उसमें भी यदि मोहब्बत का हो, जिसमें आपका दिल कुछ कहने, थोड़ा सुनने और मन शांत अकेले में बैठने का ना करे, तो समझ जाइए कि आपको किसी को कुछ ज़्यादा कहना है। उसमें भी किसी के मिलने से दिल में ठंडी बयार उठे, साथ ही मन से संगीत निकले, तो प्यार के फीवर की इस सप्ताह में एक दिन आपका भी है, जहां आपने कलेजे को थामिए और रोज देखिए काम को आगे बढ़ाकर अपने जज्बात को इजहार कर दीजिए। खुदा ने ये दिन तय किया, इसलिए इसका नाम प्रपोज डे पड़ा। नमस्कार, मैं हूँ प्राची सिंह। जी हाँ, महकते गुलाबों की सुर्ख रंगत की वैलेंटाइन डे वीक ने प्यार करने वालों के दिलों पर दस्तक दे दी है। रोजे के साथ वैलेंटाइन डे वीक की शुरुआत हो चुकी है। गुलाबों की ताजगी संग पहला दिन तो बीत गया, अब बारी प्रपोज डे की है। 8 फरवरी दिन याद कर लीजिए, आपका दिल भी इन नगमों को गाएगा और कहेगा, कुछ शरारत तो तेरी नजरों में भी है, मैं अकेला तो इसका गुनहगार नहीं। तो ज्यादा सोची मत, अगर आप किसी को दिल ही दिल में पसंद करते हैं तो ये दिन इजहार मोहब्बत के लिए परफेक्ट है। जो पहले से रिश्ते में है वो भी इस दिन पार्टनर को खास एहसास करवा सकते हैं। दीवाना हुआ तेरा मुझे इनकार नहीं, कैसे कह दूं कि मुझे तुझसे प्यार नहीं, कुछ शरारत तो तेरी नजरों में भी है, मैं अकेला तो इसका गुनहगार नहीं। बिल्कुल सही सुना आपने, मोहब्बत ऐसी होती है जो तिरछी नजर से भी हो जाती है, मगर खत्म कहाँ होती है इसका अंदाजा आप और हम नहीं लगा सकते। बहरहाल वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है और आप कुछ इसी रोमांटिक अंदाज में अपने चाहने वाले को प्रपोज कर सकते हैं। यकीनन मानिए, अगर आपका प्यार सच्चा है और आप अपने लवर की परवाह करते हैं तो आपकी मोहब्बत जरूर आपको मिल जाएगी, क्योंकि वैलेंटाइन डे वीक के दूसरे दिन यानी 8 फरवरी को प्रपोज डे होता है, यानी अपने प्यार का इजहार करने का दिन। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो वैलेंटाइन डे वीक आपके लिए बेहद ही खास हो सकता है। हालांकि दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, इस दिन का खासकर उन लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है जो किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं या किसी खास व्यक्ति को ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो उनसे कितनी मोहब्बत करता है। इस दिन आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को अपनी फीलिंग्स का एहसास कराते हैं और ये एकदम सही वक्त होता है जब आप उनसे अपने दिल की बातें बेहिचक कह सकते हैं कि आप उनसे कितनी गहराई से प्यार करते हैं और उनकी कितनी परवाह करते हैं। हालांकि वैलेंटाइन डे वीक के दूसरे दिन यानी 8 फरवरी को पूरी दुनिया इसे प्रपोज डे के रूप में मनाती है। इस खास लम्हे का लव बर्स बेसब्री से इंतजार रहता है और अपनी मोहब्बत का इजहार दिल खोल कर करते हैं। इस लम्हे में लव बर्स एक दूसरे को प्यार भरा तोहफा भी देते हैं। हालांकि कोई जरूरी नहीं कि आप कोई कीमती तोहफा लें और फिर प्रपोज करें। अगर प्यार आपका सच्चा है तो तोहफे की कोई कीमत नहीं होती। हालांकि प्रपोज डे को मनाने के पीछे कोई ऐतिहासिक कहानी नहीं है, लेकिन पश्चिमी संस्कृति में प्रपोज डे सालों से मनाया जा रहा है, लेकिन अब लगभग हर देशों में इसे आधुनिक ढंग से मनाया जाने लगा है। फिलिप्स और यूरोप के कुछ देशों में इस मौके पर सामूहिक विवाह का आयोजन होता है। ऐसा कई बार होता है जब आप किसी को चाहते हैं और उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों को इस खास दिन की इंतजार रहता है। वैसे तो फरवरी माह को प्यार का महीना माना जाता है और जब लव वीक शुरू होता है तो प्यार के इजहार के लिए भी यही समय बेहतर होता है। इसलिए वैलेंटाइन वीक के दूसरे दिन यानी कि 8 फरवरी को प्रपोज डे मनाने का चलन शुरू हुआ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लाल गुलाब प्रेम का प्रतीक होता है, तो प्रपोज डे के दिन प्यार का इजहार करने के लिए लाल फूलों के गुलदस्ता से बेहतर कोई उपहार ही नहीं हो सकता।
यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी, दिल ने जिसे जिंदगी भर चाहा है, आज करूँगा मैं उनसे इकरार, जिसको सदियों से तमन्ना की है, उनसे करूँगा मेरे प्यार का इजहार। हैप्पी प्रपोजेज टू ऑल।